हेलो गाइस, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हाजिर हूँ, मैं बैठा हूँ अभी गोंडोला में। पहले तो नज़ारे देखो। चलो, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप कजाकिस्तान टूर कैसे प्लान कर सकते हो, मतलब ए टू जेड, स्टार्टिंग वीज़ा से लगा के यहाँ पहुँचना, वापस जाना, क्या कहाँ घूम सकते हो, कैसे घूम सकते हो, सब कुछ बताऊँगा मैं प्रॉपर डिटेल में। थोड़ा व्यू अच्छा था तो मैं सोचा एक वीडियो बना ही लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत होती है वीज़ा से। बिना वीज़ा आपको कोई भी कंट्री में आपको नहीं जाने देंगे। बट चूंकि कजाकिस्तान इंडियंस को देते हैं 14 डेज वीज़ा फ्री एंट्री, जी हाँ, आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है वीज़ा की। कोई भी ई वीज़ा, ऑनलाइन वीज़ा, कैसा भी वीज़ा आपको नहीं चाहिए। जस्ट पासपोर्ट उठाओ, टिकट बुक करो, फ्लाइट में बैठो, कजाकिस्तान अलमाटी पहुंचो, वो इमिग्रेशन पे आपका ठप्पा लगा देंगे। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं। तो इंडियंस के लिए 14 दिन कजाकिस्तान वीजा फ्री है, आप आ सकते हो। दूसरी बात करते हैं फ्लाइट की। फ्लाइट एयर अस्थाना, इंडिगो और फ्लाई एयर अस्थाना करके तीन फ्लाइट से जो डायरेक्ट दिल्ली और मुंबई से अलमाटी के लिए आती है। जी हाँ, डायरेक्ट तीन, ये तीन एयरलाइन से जो डायरेक्ट फ्लाइट है, जिसमें इंडिगो और फ्लाई एयर अस्थाना बिल्कुल चीप है। आप अगर थोड़ा टाइम पे, आप अगर थोड़ा पहले बुक करोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार में आपको वन वे मिल जाएगा। 15 हज़ार में आना जाना दोनों मिल जाएगा। तो फ्लाई अस्थाना थोड़ा बिल्कुल बजट एयरलाइन से 5 किलो वेट देती है आपको। जी हाँ, 5 किलो वेट देगी, उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। इंडिगो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा वो वेट देती है, तो आप इंडिगो भी चूज कर सकते हो। और एयर अस्थाना जो है वो फुल करियर सर्विस है, तो उसमें आपको खाना मिल जाएगा और वेट भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी फ्लाई अस्थाना में आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय आपको वो वहाँ से बैठाएंगे, सीट दे देंगे और आप यहाँ आके उतर जाओ। आपको विंडो सीट लेनी या दूसरी कोई सीट लेनी, उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा बैगेज चाहिए, उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। तो फ्लाई एयर अस्थाना का ये है। इंडिगो भी ठीक है, तो 15 हज़ार में आना जाना आपका फ्लाइट से हो जाएगा। दिल्ली मुंबई से फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट है, डायरेक्ट। जी हाँ, वीजा हो गया, फ्लाइट हो गया। एक बार आप इस कंट्री में आ गए तो आपके पास में यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टेशन बस है, आप बस यूज कर सकते हो। सिटी सिटी में आप मेट्रो यूज कर सकते हो। जी हाँ, मेट्रो भी है यहाँ पे। और आप अगर टैक्सी प्रेफर करते हो तो येंडेक्स एप्लीकेशन है। जी हाँ, येंडेक्स एप्लीकेशन, वहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हो। वो आपको बेटर रहेगा, ना कि आप डायरेक्ट लोकल टैक्सी करो। तो आप यहाँ घूमने के लिए आपके पास में दो तीन तीन ऑप्शन मैंने बताया। येंडेक्स एप्लीकेशन से आप टैक्सी बुक कर सकते हो, आप लोकल बस यूज कर सकते हो, आप मेट्रो यूज कर सकते हो। एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए आपके पास में फ्लाइट का ऑप्शन है, आपके पास में ट्रेन का ऑप्शन है, और आपके पास में बस का ऑप्शन है। तीन ऑप्शन है। तो ये हो गया लोकल घूमने के हिसाब से। अब हम बात करेंगे यहाँ की करेंसी। करेंसी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ की करेंसी है टेंगे। जी हाँ, ये कुछ इस तरह की करेंसी है। ये है 10,000 टेंगे, ये है 1,000 टेंगे, और एक एक टेंगे एक एक टेंगे जो है 1 रुपए में 5.5 टेंगे, 5 टेंगे मान सकते हो। तो ये है करेंसी यहाँ की। हाँ, सिम कार्ड की बात, सिम कार्ड आप सिटी सेंटर से भी ले सकते हो, सिम कार्ड आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हो। सिम कार्ड थोड़ी सी महंगी मिलेगी। इंटरनेट यहाँ पे कंपैरिजन अपने इंडिया के तो छोड़ो, कंपैरिजन थोड़ा सा महंगा है इंटरनेट। मैंने सिम कार्ड ली थी 3600 टेंगे में, 3600 टेंगे में 15 GB इंटरनेट। 3600 टेंगे का मतलब हो गया 3600 प्लस 1,000 उन्होंने सिम के लिए, मतलब टोटल 4600 रुपये, 4600 टेंगे दिए, ऑलमोस्ट 600-700 रुपये के हिसाब से 15 GB इंटरनेट। तो वो थोड़ा सा महंगा है इंटरनेट, अपने इंडिया में जितना सस्ता है उतना तो मेरे को नहीं लगता कहीं और दूसरी जगह होगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे घूमना।
यहाँ पे घूमने के लिए अलमा टीम है आपके पास में 4 या 5 दिन, 4 दिन मैक्सिमम होंगे, 5 दिन होंगे तो इनफ है, 5 दिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो घूमने के हिसाब से आपके पास में है, लाइक आप यहाँ पे सिम्बुलक, जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, जहाँ अभी मैं बैठा हूँ, ये कुछ नज़ारे सिम्बुलक के। अलमाटी में घूमने के लिए अर्बन स्ट्रीट है, सिटी सेंटर में फेमस चर्च है, वो भी सिटी सेंटर में है। उसके अलावा आप एक कोकटोक करके नाम की जगह है, वहाँ जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी जगह है, लाइक वो भी हिल स्टेशन पे है। तो 3 4 दिन, 4 दिन मैक्सिमम आप मान के चल सकते हो कि 5 दिन इनफ होते हैं अलमाटी घूमने के लिए। उसके बाद में खाने के लिए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए ऑप्शंस है। वेजिटेरियन को थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसे मेरे जैसे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे और अच्छा टेस्टी खाना मिल जाता है ना, ठीक ठाक रेट में, लाइक 1,000 रुपीज़ में, 1,000 रुपीज़ में आपको एक टाइम का खाना मिल जाएगा। जी हाँ, थोड़ा कॉस्टली तो पड़ेगा बट ठीक है, इंडियन टेस्ट के हिसाब से मिल जाएगा। और नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास खूब सारे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा यहाँ की लोकल फूड ट्राई करोगे तो कर सकते हो, तो वो भी आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा और तो क्या है, हमने स्टार्टिंग वीज़ा की बात कर ली, फ्लाइट की बात कर ली, इसके अलावा लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली और घूमने की जगह बात कर ली। तो नॉर्मल यही होता है, आप आओ 4 5 दिन का, 3 4 दिन का अलमाटी में प्लान बना के आ सकते हो। उसके बाद आप अस्थाना जा सकते हो, एक और जगह है वहाँ जा सकते हो। अदरवाइज केवल अलमाटी, मेरे जैसे प्लान कर रहे हो तो केवल अलमाटी में 4 दिन इनफ है। मैं 4 दिन के लिए आया था, 24 तारीख को लैंड हुआ था, 29 तारीख को वापस मेरी फ्लाइट है मॉर्निंग की, 24 तारीख को रात में मैं पहुंचा था, 29 तारीख को मैं मॉर्निंग में फ्लाइट है मेरी, वापस मैं इंडिया निकल जाऊंगा। और बजट आप अगर लाइक सोलो ट्रेवल हो तो आप बजट में कर सकते हो, अच्छे अच्छे खासे बजट में कर सकते हो, लाइक 50,000 में आपका आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि इतना महंगा भी नहीं है, ज़्यादा महंगा भी यहाँ पे कुछ भी कॉस्टली नहीं है। अभी मैं सिम्बुलक आया था यहाँ पे, ये लाइक ये राइड के लिए मैंने पे किए थे 6,000 5,000 टेंगे, 5,000 टेंगे होते लगभग 1,000 रुपये के आसपास। तो इतना मैं वही कह रहा हूँ, इतना महंगा भी नहीं है। इसके अलावा आप मतलब बाकी तो घूम सकते हो। और जी हाँ, बस यही कह रहा था मैं। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो, फ्लाइट वगैरह वगैरह मैंने आप सब सब सारी चीज़ बता दी। तो मैंने सोचा एक लाइक ये लंबी राइड है सिम्बुलक में, नीचे से फर्स्ट स्टेप तक, मतलब पहले क्या है लेवल तक जाने के लिए कम से कम 10 मिनट लगते हैं। जी हाँ, कम से कम 10 मिनट लगते हैं। तो मैं सोचा बैठे बैठे क्या करूँ, आपके आपके लिए एक वीडियो ही बना दूँ, वीडियो बना के डाल दूँ। तो ये देखो ये नज़ारा, ये भाई साहब, ये अभी मैं इसमें बैठा हूँ और 10 मिनट की राइड है ये। इसको बोलते हैं गोंटोला, गोंटोला गोंटोला कुछ बोलते हैं, लाइक केबल राइड है बट बड़ा लंबा, बड़ा मतलब लंबी लंबी राइड है। चलो इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। अच्छा लगे तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सोलो ट्रेवल के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल सके। और कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। हाँ, और अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और जाओ घूमो, मजा करो, और अलमाटी आओ तो सिम्बुलक जरूर आओ, भाई साहब मस्त, एक नंबर जगह, एक नंबर। आप कहीं जाओ नहीं जाओ, सिम्बुलक तो जरूर आओ। और चाहिए तो आसपास कहीं पे भी घूमो, पूरी दुनिया आपके लिए खुली है, जाओ घूमो मजे करो। चलो इस वीडियो को करेंगे या यहीं पे समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू, बाय बाय।